विधायक ने किया किचन शेड एवं पोषण वाटिका का लोकार्पण। मुख्यमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम को भी सुना। विधायक ने संबोधन के दौरान 15 महीने की कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून बिल पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है विधायक। जी हां, बासौदा जनपद के ग्राम वरवाड़ी में शासकीय प्राथमिक शाला में किचन शेड एवं पोषण गार्डन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में विधायक द्वारा कन्या पूजन कर सरस्वती पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री के वर्चुअल भाषण को सुना गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक लीना जैन ने कहा कि पोषण गार्डन से बच्चे को पौष्टिक सब्जी मिलेंगी। वह वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों पर हंगामा किया जा रहा है, परंतु कृषि कानून किसान हितैषी बिल है, इससे किसानों को काफी फायदा होगा, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि भाजपा किसान हितैषी पार्टी है और लगातार किसानों के बारे में ही काम करती है। ग्यारसपुर से शुभम मिश्रा की एक रिपोर्ट। आदरणीय प्रभात शर्मा जी, आदरणीय गोविंद पटेल जी, हम पंच बहन आदरणीय बिमला बाई जी, आदरणीय मलखान सिंह जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय हमारे कांता भाई जी, आदरणीय वेदक चौड़ा के सरपंच साहब, आदरणीय पुरुषोत्तम शर्मा जी, बड़मड़ी के पंचायत में भी किचन शेड का और किचन गार्डन का लोकार्पण किया गया। मैं चाहूंगी कि हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए जो किचन गार्डन है उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उसको संचालित किया जाए। लौकी है, टमाटर है और मुर्गा की फली बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होती है प्रोटीन के लिए, तो ऐसी चीजों का भी आप लोग कोशिश करें कि यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं। हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों की मदद से आप चाहेंगी तो किचन गार्डन बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा।